ठीक। इस वक्त आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। हम लगातार अनेक क्षेत्रों में जा रहे हैं, बाढ़ का दर्द दिखा रहे हैं, लेकिन आज भी कैसी स्थिति आज के प्राथमिक विद्यालयों में है, मैं आपको साफ दिखाना चाहता हूं। इस वक्त मैं ग्राम सभा मुजौना के एक प्राथमिक विद्यालय में हूं। हालांकि ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हमेशा से रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप स्थिति देख रहे हैं कि अभी भी बच्चों के लिए ये सुविधा नहीं हो सकती, अभी भी बच्चे पढ़ने से वंचित रह सकते हैं। मैं सबसे पहले दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बाढ़ का हाल है। सबसे पहले मैं अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, किस तरीके से बाढ़ ने बच्चों की पढ़ाई पे कितना बड़ा नुकसान किया गया है। पूरे गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पे बाढ़ ने किस तरीके से स्थिति की है, मैं आपको साफ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये आप स्थिति दिखा दें। ये कक्षा 5, कक्षा 4, ये सब चीज़ें थी और यहाँ पे पढ़ाई होती थी, आप साफ देख रहे हैं, लेकिन सीढ़ियाँ डूब गई हैं दोस्तों और किस तरीके से बाढ़ ने लोगों की ज़िंदगी अस्त कर दी है, ये आप साफ देख रहे हैं। हालांकि पानी घटा हुआ है, इससे पहले बहुत बारिश थी, सड़क पे पानी लग गया था, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि थोड़े ही दिन बाद ये खुल जाएगा। लेकिन किस तरीके से बच्चों की ज़िंदगी प्रभावित होती है, मैं साफ दिखाना चाहता हूँ। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि थोड़ा नज़दीक आ जाएं। इस वक्त मेरे कैमरे के पीछे पवन है। पवन, सबसे पहले ये दिखाइए कि किस तरीके से क्लास में अभी भी पानी पूरा भरा हुआ है। देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। हमेशा से बात रही है कि क्या सिर्फ बाढ़ का ऐसा इलाज किया जाएगा, क्या हमेशा से बच्चे बाढ़ के नाम पे स्कूल से पढ़ाई से वंचित रहेंगे। ये से तमाम सवाल आपके मन में होते होंगे, हमारे मन में भी होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन कि जल्दी से आप अलग अलग जगहों पे जाएं, अलग अलग चीज़ें हम लोग दिखाएं। ये बच्चे यहाँ पे खेलते थे, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कैसी स्थिति है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये क्लास है बच्चों का और इस बच्चों के क्लास में किस तरीके से स्थिति हो गई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कि टाइल्स है और इस पर सरक भी रहा है, इस वजह से मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन धीरे धीरे ये दिखाएं। यहाँ पे इतना पानी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। कोई भी बच्चा कैसे पढ़ने आए, कैसे अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, ये एक सोचने वाली बात है। ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, लोग डूबने को मजबूर हैं, तो बताइए पढ़ने कैसे आएंगे। लेकिन हम आप बाढ़ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की दशा दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा कैमरा पर्सन चाहूँगा दूर से आप ये स्थिति दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए मछली भी एक यहाँ पे है, तो मैं देखिए किस तरीके से यहाँ पे मछलियाँ ऐसे मर रही हैं। देखिए कैमरा पर्सन में सबसे पहले ये दिखा दीजिए कि किस तरीके से एक मछली कहीं से बह के आई है, ये दिखा दीजिए। हालांकि हमेशा से ऐसी स्थिति रही है, बाढ़ धीरे धीरे कम हो रही है, जितने भी लोग हैं उनको राशन सामग्री पहुंच रही है, तमाम सी चीज़ें हैं। लेकिन मन में एक सवाल उठता है दोस्तों कि क्या ऐसे ही प्राथमिक विद्यालय का हाल रहेगा, क्या हमेशा से बाढ़ इस क्षेत्र की समस्या बनती रहेगी। अपने जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हम अपनी जान जोखिम में डालकर इस जगह पे आए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों की दशा दिखानी है, किस तरीके से प्राथमिक विद्यालय कि दशा है आप साफ देख रहे हैं। तमाम सी चीज़ें हैं, लेकिन मन में एक सवाल आपके भरना चाहूँगा कि कैसे, क्या बाढ़ हमेशा से कछरांचल का हिस्सा रहेगी, या बाढ़ के लिए भी कुछ उपाय किया जा सकता है, क्या बाढ़ का परमानेंट सल्यूशन है। ये तमाम सवाल आपको आपके मन में मैं छोड़े जाता हूँ। कैमरा पर्सन पवन के साथ दिव्यांश यादव, हम जान पे खेलकर ऐसी जगहों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि प्राथमिक विद्यालय आज भी बाढ़ क्षेत्र में कैसे हालात में है, लोग कैसे जा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वहाँ से निकल जाएं क्योंकि आगे खतरा है सर, आगे खतरा है। और यहाँ पे देखिए, वहाँ इतना पानी था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ तक पानी था और यहाँ तक पानी के बावजूद हम यहाँ पे आए हैं। उधर से गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बगल में राम जानकी मार्ग अभी खुल चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ पे पानी जैसे हालात हैं, मैं आपको साफ दिखाना चाहता हूँ। बाढ़ धीरे धीरे कम हो रही है, सरयू का जलस्तर भी कम हो रहा है, राप्ती का जलस्तर स्थिर है, इस वजह से यहाँ पे पानी लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे कब पढ़ने आएंगे, कब उनके ज़िंदगी में फिर से वो पढ़ाई वाला रोशन होगा। तमाम सी चीज़ें हैं, आप भी अपने कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन क्या है। हम जान में जोखिम में डालकर तमाम बाढ़ पीड़ितों की दशा दिखाएंगे ही। प्राथमिक विद्यालय तो हमने दिखा दिया, और भी कहीं जगह जाएंगे, आपसे मिलते रहेंगे।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से पूरा भीज गया है। ऐसे तमाम बातें रहेंगी, तमाम सी चीज़ें रहेंगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ दिव्यांश यादव गोरखपुर, सवाल एक मन में छोड़ना चाहता हूँ, क्या बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है या हर साल जब भी बाढ़ आएगी बच्चों की पढ़ाई व्यथित रहेगी? आप अपने मन में सवाल जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गोरखपुर दस्तक।